नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, एक फार्मर भाई ने कमेंट करके पूछा कि इसी पोल्ट्री फार्मिंग के लिए कितने घंटे लाइट का रहना जरूरी है। दोस्तों, इसी पोल्ट्री फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको तो 24 घंटे ही लाइट की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आज जो है 10 दिन हो गए और हमने जो है ज़्यादा एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पैड का ज़्यादा यूज़ नहीं किया तो वो सही है। दोस्तों, अब ये बारिश का मौसम है और बारिश आने वाली है, तो अगर बारिश अगर हो जाएगी तो भी हमें पर्दे गिराना पड़ेगा और फिर एग्जॉस्ट फैन चालू करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से जो है गर्मी बढ़ेगी। तो यह जो मैंने तरीका कर रखा है ये अभी सिचुएशन के हिसाब से कर रखा है, किंतु अब आपके फार्म पे ऑलरेडी एक सिचुएशन क्रिएट ही है कि लाइट कितने समय तक रहती है। अब जैसे ये फार्मर भाई ने कमेंट करके पूछा, वो काफ़ी टाइम समय से पूछ रहे हैं कि 16 से 18 घंटे वहाँ पे लाइट का कट ऑफ है, मतलब है 4 से 6 घंटे का लाइन का कटअप है, क्या वहाँ पे इसी पोल्ट्री फार्मिंग संभव है। दोस्तों, अब वहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो उन्होंने पॉइंट छोड़ दिया कि लाइन का कटअप कैसे है, कंटिन्यू 2 से 4 घंटे का कटअप है या फिर 15-15 मिनट का गैप है या फिर 1 घंटे का गैप है। अब वो ये चीज़ क्लियर करें तो शायद हम समझ पाएँ कि उनका सवाल जो है उसका हम फिर हम जवाब दे पाएँ, क्योंकि दोस्तों अब हमारे यहाँ पे भी लाइन का कटअप है, ऐसा नहीं है लाइन कटती किंतु 5 मिनट 10 मिनट के लिए। अब 5 मिनट 10 मिनट के लिए लाइट कटती है तो हमें 15 दिन तक तो वैसे इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि बच्चों में 5 मिनट 10 मिनट के लिए अगर लाइट कट जाए तो कोई समस्या नहीं होती। तो अगर इस प्रकार से अगर लाइन का कटअप है तो आप जो है उसके ऊपर आप मुझे एक बार रिप्लाई करके बताइए कमेंट में। किंतु अगर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे इस प्रकार से अगर लाइन का कटअप है तो उसके ऊपर फिर मैं उस प्रकार से मैं आपको सॉल्यूशन देना चाहूँगा। सॉल्यूशन तो कितनी समस्याएं कितनी बड़ी हो, सॉल्यूशन हमारे पास में होता है, क्योंकि सॉल्यूशन समस्याएं भी हमने इंसान ने खड़ी की है, तो समाधान भी हमारे इंसान हमें हमारे ही पास है। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट करके बताइए तो मैं आपको बता दूंगा। किंतु मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जो लाइट का जो प्रेजेंसी है वो 100% मतलब 24 घंटे हमारे पास में लाइट की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। इससे अगर कम रहेगी तो हमें थोड़ा जो है समस्या का सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली जब गर्मी का समय हो और जब बच्चे बड़े हों। मान लीजिए 25 दिन के बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब पूरे फार्म में हो जाते हैं, क्योंकि हम इसी पोल्ट्री फार्मिंग एक ज़्यादा डेंसिटी के ऊपर फार्मिंग करते हैं। अब मेरा अगर ये ओपन फार्म अगर होता तो मुझे यहाँ पे 3400 बर्ड मिलते। अब यहाँ पे जो मेरा इसी पोल्ट्री फार्म में 1000 बर्ड मेरे ज़्यादा है, 4400 बर्ड के आसपास बर्ड है, 4350 बर्ड के आसपास है। तो दोस्तों, हम ज़्यादा डेंसिटी में फार्मिंग करते हैं और बर्ड के कारण उनकी खुद की भी एक जो है गर्मी होती है, तो उस कंडीशन में जो है अगर लाइट अगर चली गई और हम जो है जनरेटर से अगर मान लो इतनी सर्विस नहीं दे पाए तो उस कंडीशन में जो है हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है इसी फार्मिंग के लिए 24 घंटे का लाइट होना अभी अवेलेबल जरूरी मतलब होना जरूरी ही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब सिर्फ और सिर्फ अब ये जब अचानक जो है 27-28 डिग्री में रहने वाले एकदम से तापमान बढ़ के 40-35-37-10 डिग्री का वेरिएशन आएगा तो बड़े बर्ड जो है वैसे ही नहीं पड़ जाते हैं। दोस्तों, जब थोड़ी सी गर्मी या थोड़ी सी हवा रुक जाती है तो हमारे ओपन फार्म में जो है बर्ड की मोर्टलिटी हो जाती है, जबकि वो तो उसी टेम्परेचर में रहते हैं, 2 से 3 डिग्री का वेरिएशन रहता है उसमें वो जो है मोर्टलिटी हो जाती है। तो अब जब 10 डिग्री का अगर वेरिएशन रहेगा तो मोर्टलिटी होना स्वाभाविक सी बात है। तो आपको जो है 24 घंटे लाइट होना जरूरी है, किंतु जो फार्मर भाई ने 18 से 16 घंटे का बताया उनके लाइन का गैप का आप मुझे बताएंगे तो शायद मैं उसके ऊपर सही जवाब दे पाऊंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।